उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश आंधी तूफान आने की अधिक संभावना है, तो कौन कौन से जिले में उत्तर प्रदेश के आएगी ये बारिश आज जानेंगे। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद में भारी बारिश आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है 24 से 48 घंटे के अंदर। मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर में भारी बारिश और मध्यम बारिश होने की खबरें हैं। महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और इलाहाबाद में गरज चमक के साथ भारी बौछारें पड़ सकती हैं और भारी बारिश हो सकती है। बारिश से हवा में प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है। आपको बता दें ये मौसम समाचार वैसे तो आज के हैं, रोजाना मौसम की ताज़ा खबरें जानने के लिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में अधिकतम न्यूनतम तापमान में काफ़ी बदलाव नज़र आ सकता है। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन तक बादल छाएंगे और मौसम बदलता रहेगा। आपको बता दें सर्दी का अच्छा खासा एहसास होगा। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चिंता जताई है। बात करें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की, तो दिल्ली में 24 से 48 घंटे में भारी बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और दिल्ली के आसपास सभी क्षेत्रों में घना कोहरा भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय और मिजोरम में बारिश की खबरें लगातार मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही हैं। ये मौसम समाचार आज का है। अगर आप मौसम की ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम समाचार अब समाप्त होते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।